नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सोनभद्र, कोविड महामारी संक्रमण से बचाव के लिए 54 ब्लॉक के दुरूह केंद्र जुगैल में शनिवार को प्रशिक्षित स्वास्थ्य मित्र राम नरेश व बुद्धिराम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ऑक्सीजन लेवल व बुखार नापने के तरीके डेमो करके दिखाए गए। कोविड से बचाव के लिए 2 गज की आपस में दूरी, कोई चीज छूने पर सैनिटाइज करना, हाथ साबुन से बार बार धोना व भाप लेना, काढ़ा का उपयोग नियमित करना बताया गया। शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ दवाएं व शहद, ग्लूकोज, काढ़े के आदि के पैकेट्स स्वास्थ्य मित्रों को उपलब्ध कराए गए। यह कोविड 19 सहायता पोलरिस फाउंडेशन मिशन समृद्धि के सहयोग से आरोग्य केंद्र बनवासी सेवा आश्रम द्वारा दिया जा रहा है। इस काम में आरोग्य विभाग की पूरी टीम गंगाराम, राधिकृष्ण, राहुल कुमार यादव, प्रदीप कुमार सिंह व प्रमोद कुमार शर्मा सहयोग कर रहे हैं। जुगैल केंद्र में जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध सामग्री पहुंचे, यह जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी व क्लस्टर कोऑर्डिनेटर उमेश चौबे व राजेंद्र व सभी पीआरपीओ को है। मैं डॉक्टर गंगाराम गोविंदपुर बनवासी आश्रम आरोग्य केंद्र से आए हैं, ग्राम निर्माण केंद्र जुगैल में। ये मैंने चेन्नई से जो सहयोग साथियों, आज बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर से स्वास्थ्य की टीम इस जुगैल क्षेत्र में कोविड 19 सहायता हेतु फोलरिस फाउंडेशन एवं मिशन समृद्धि के सहयोग से जुगैल क्षेत्र में कोविड संक्रमित मरीजों की सहायता हेतु दवाइयां, किट, अन्य स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ सामग्री है उसको लेकर यहां पहुंची हुई है। इस टीम को जुगैल क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद और सहायता के लिए मिशन समृद्धि और फोलरिस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए सोनभद्र से राजेश सहवाल की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।